हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाबा फैब्रिकेटर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैं फैब्रिकेशन संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं और हर बार एक नई जानकारी लेकर आता हूं, तो आज फिर से एक नई जानकारी के साथ आया हूं। तो बात किया जाए आज की जानकारी क्या है, तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार जो हमारे जो फैब्रिकेशन लाइन में कटिंग डिस्क, मतलब कोई भी डिस्क हो, बहुत ज़्यादा यूज होता है। कटिंग डिस्क जैसे मेटल काटने के लिए, लोहे को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको आज हम बारी बारी से जानेंगे कि आखिरकार उसका जो यूज़ कैसे होता है, वो कहाँ पे मिलता है, वो या फिर वो बनता कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है, वो जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके दिखाएंगे कि वो किस मशीन से बनता है, उसका मशीन किस प्रकार से होता है, उसमें क्या केमिकल यूज़ होते हैं और वो केमिकल क्या है, और साथ ही साथ उसमें बताएंगे कि आखिरकार जो हमारे जो फैब्रिकेशन भाइयों के साथ साथ जो होते हैं वुडन का, लकड़ी का काम करने वाले, वे भी मार्बल का काम, पत्थर का काम करने वाले, लोहे के काम करने वाले या फिर लकड़ी का काम करने वाले, सभी जो होते हैं उसको जो कटिंग का जो डिस्क होता है उसका यूज़ करना पड़ता है। कोई मेटल का करता है तो कोई पत्थर का करता है या फिर कोई लकड़ी का करता है, लेकिन यूज़ सबके लिए होता है। तो कौन सा डिस्क किसको लेना चाहिए, उसका नाम क्या होता है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जो कारीगर हैं उनको तो नाम नहीं पता होता है, लेकिन वो जानते हैं कि हमको ये डिस्क लेना है। तो उनका नाम क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे, और कैसे बनता है, सबसे खास बात कैसे कटिंग डिस्क बनता है, उसका मशीन फैक्ट्री में क्या है, क्या है उसका प्रोसेस, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको एंड तक देखिए, ताकि आपको सभी बातें आसानी से समझ में आ सके, और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर तक करें, ताकि मेरे को अच्छा लग सके। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी सवाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो, बहुत ही ज़्यादा निजी सवाल हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल में जाके, यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से फॉलो करके देख सकते हैं। तो चलिए आप अपने वीडियो की ओर चलते हैं और सारी बात प्रोसेस आगे बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देख सकते हैं यहाँ पर एक डिस्क है जो बहुत ही कलर पे अवेलेबल है, चार कलर पे अवेलेबल है, लेकिन ये है एक स्टेनलेस स्टील को चमक लाने के लिए ये सॉफ्टनेस डिस्क है जिसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे डिस्क के बारे में जानेंगे, सबसे पहले डिस्क का क्या नाम है, उसका क्या यूज़ है, उसका कैसा इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। मेटल डिस्क से लेकर वुडन डिस्क से लेकर डायमंड डिस्क, सभी प्रकार के डिस्कों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक डिस्क है जो ये मेटल डिस्क है, ये कटिंग डिस्क बोला जाता है, और बहुत सारे ऐसे डिस्क है जिसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये है मेटल के डिस्क, कुछ डिस्क हैं, तो यहाँ पर कौन से डिस्क है देख लेते हैं। तो यहाँ मेटल के जो डिस्क हैं को बताने के लिए पहले मेरे इशारे करने होंगे। तो मेटल ग्राइंडिंग व्हील ये हो गई, आपको ध्यान से नाम पढ़ना है क्योंकि, और नाम देखना भी है क्योंकि, अगर आप मार्केट जाते हैं तो इन्हीं नाम से इनको खरीद सकेंगे। तो ये है मेटल ग्राइंडिंग डिस्क, ये है स्टील एंड आयरन कट व्हील्स, ये है मेटल कटिंग व्हील्स, और ये जो है ये कौन डिस्क जो है, ये है वुड कटिंग डिस्क, और ये और एक डिस्क है जो वुड पॉलिश डिस्क है, ठीक ना। तो वुडेबल पॉलिश डिस्क है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डिस्क है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राइंडिंग डिस्क मेटल में है, मतलब ये इसको घिसने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो उसको पतला किया जा सके, उसमें चमक लाया जा सके। और ये कटिंग डिस्क काटने के लिए मेटल डिस्क है, ये कटिंग डिस्क स्टीलनेस के लिए है, मतलब स्टील को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ये मेटल के लिए, मेटल है अलग चीज़ होती है, लोहे की होती है, और स्टील जो होती है जिसमें ज़्यादा लाइटिंग होती है, ज़्यादा थोड़ा सा हार्डनेस होता है, उसको स्टील चमक होती है। और यह डायमंड कटिंग, डायमंड कटिंग मतलब टाइल्स मार्बल कंक्रीट को काटने के लिए उपयोग किया जा सकता है इसको। और यह है डायमंड कप व्हील्स और कंक्रीट, कंक्रीट काटने के लिए एक दूसरा प्रकार का डिस्क है। और यह है फ्लैप डिस्क मेटल, इस फ्लैप डिस्क मेटल इसमें घिसाई करने के लिए, लाइटिंग लाने के लिए किया जा सकता है। और यह है वफिंग डिस्क स्टीलनेस, इतने सारे डिस्क हैं और बहुत सारे डिस्क है, धीरे धीरे जानेंगे। ये जितने सारे हम डिस्क देखें, ये चार इंचज़ के हैं, चार इंचज़ के डिस्क में आते हैं। ये सात प्रकार के डिस्क अभी देखें और आगे बढ़ेंगे और आगे और डिस्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फिर वुडन व्हील्स, मार्बल कटिंग व्हील्स, यहाँ पर एक एक करके आपको बता ही दूँ तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर देख सकते हैं वुड कटिंग व्हील्स मतलब लकड़ी काटने के लिए, या मार्बल कटिंग व्हील मतलब पत्थर को काटने के लिए, मार्बल काटने के लिए, टाइल्स काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वुड मेटल और पॉलिशिंग, ये पॉलिश लाने के लिए, पॉलिश लाइट लाने के लिए किया जाता है। स्टील एंड आयरन कट व्हील्स मतलब स्टील और आयरन दोनों काट सकते हैं वो डिस्क से। डिस्क को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये डिस्क आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, कौन सा डिस्क आपको लेना है। मेटल ग्राइंडिंग व्हील्स,
बहुत सारे भाइयों हैं जो थे स्टील का काम करते हैं, तो स्टील के सामान, स्टील के अलग व्हील्स आते हैं, पॉलिश व्हील्स आते हैं, स्क्रब व्हील्स आते हैं, कटिंग व्हील्स आते हैं, इन चीज़ों को ख़रीदना और जानना बेहतर होगा आपके लिए कि इसका प्राइस क्या है। साथ ही साथ मैं इसका प्राइस आपको बता दूंगा कि अगर आप थोक भाव में लेते हैं तो कितनी कम पड़ेगी आपको। ये बहुत सारे हैं तो इसको बाद में देखेंगे कि एक एक करके, और पहले जान लेते हैं एक कंपनी है स्पीड और उसकी क्या जो खासियत है उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो मैं कुछ दिखा देता हूँ कि इसके क्या क्या इसके डिस्क होते हैं। तो इसके देख सकते हैं कि स्पीड शुरू से दिखा दूँ आपको, तो देख सकते हैं स्पीड कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इसकी जो है स्पीड ट्रक पॉइंट इसका जो है अपना प्रोडक्ट है। और ये देख सकते हैं स्पीड टच और ये है जो स्पीड सेगमेंट ट्रूबो और सेगमेंटेड ट्रूबो स्पीड प्लस सेगमेंटेड, ये एक और डिस्क हो गई। और स्पीड सिरामिक रिम, ये स्पीड सिरामिक रिम हो गई। स्पीड डिलक्स वुड कटर, इसके लिए अलग से डिलक्स वुड कटर आ गया है। और स्पीड सिरामिक थिन ट्रूबो, ये देख सकते हैं अपना स्पीड कंपनी का बहुत सारा कटिंग डिस्क है। स्पीड प्लम रिम, इसका रिम अलग से रिम मतलब हैवी कट के लिए। स्पीड सिरामिक सेगमेंटेड, और बढ़ते हैं आगे और स्पीड प्लस ट्रूबो, देख सकते हैं इतने सारे डिस्क हैं इसके अवेलेबल और बहुत सारे और भी हैं। देख सकते हैं स्पीड चॉप शो, ये उसका बेहतरीन डिस्क। स्पीड कप व्हील, कप व्हील देख सकते हैं ये कप व्हील है इसको बोला जाता है। इतने सारे स्पीड के जो प्रोडक्ट हैं आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसी ये है इसको बोला जाता है, देख सकते हैं ये कौन सा डिस्क है। ये 50 mm टंगस्टन कार्बिक डिस्क और ग्राइंडिंग डिस्क है। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, देख सकते हैं इसका जो प्राइस है $2 से $3 होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डिस्क है, इसको बहुत बेहतरीन डिस्क है ये बहुत ही। और कैरेबिक डिस्क फॉर ग्राइंडिंग, मतलब इसको घिसाई के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत हैवी जो होते हैं आयरन या स्टील उसके उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि जो एक वायर तार वाली जो डिस्क होती है इसको घिसाई के लिए उपयोग किया जाता है, मोटे मोटे लोहे के चमक लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं इसको किस प्रकार से ये बनता है, देख सकते हैं इसका उपयोग बनता किस तरह से। और ये देख सकते हैं बहुत सारे डिस्क एक जगह रखे हुए हैं ब्लू शार्क के सेल के लिए। तो देख सकते हैं ये है जो लाइटिंग लाने के लिए, स्क्रब के लिए इसका उपयोग डिस्क में चिपका के किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, और ये है पॉलिश के लिए डिस्क, स्टील पॉलिश के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ब्लू शार्क का डिस्क है ग्राइंडिंग में लगा हुआ, कितनी इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही हैवी है। इसका जो टिकाऊपन है बहुत बेहतरीन है, जो काटता है लोहे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से काटता है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितनी बेहतरीन से फिनिश टच के साथ इसकी जो टिकाऊपन है बहुत ही ज़्यादा लंबी है, ना कि सस्ते दरों वाली जो कटिंग डिस्क होती है उस तरह से नहीं है कि तुरंत रगड़े और ख़त्म हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी टिकाव वाला स्ट्रांगनेस कटिंग डिस्क है। आप देख सकते हैं वीडियो में इसके जो ब्लू शार्क की क्वालिटी है और इसके जो कलर अवेलेबल है, मतलब कलर के साथ साथ इसका वेराइटीज़ है। इसमें इम्पोर्टेंस है कि इसके किस प्रकार के यूजेस किए जा सकते हैं। इसमें ऑरेंज, ब्राउन, येलो, ग्रीन बहुत सारे कलर में अवेलेबल है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लू शार्क का ही एक डिस्क है जिसके ज़रिए से इतने मोटे रॉड को काटा जा रहा है और कितनी फिनिश टच के साथ कट रही है आप देख सकते हैं। तो ये ब्लू शार्क का मेटल कटिंग डिस्क है जिससे ये काटा जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि ये है फ्लैप डिस्क जो ब्लू शार्क का है, ये फ्लैप डिस्क है इससे घिसाई की जा रही है। आपको बता भी दे रहे हैं और दिखा भी दे रहे हैं इसका क्या यूजेज होते हैं डिस्क के। तो ये फ्लैप डिस्क है और इससे देख सकते हैं कि किस तरह से एक जंग लगी हुई लोहे को चमकाया जा रहा है फ्लैप डिस्क के ज़रिए से। ये देख सकते हैं जो ब्लू शार्क का तार वाला जो डिस्क होता है ये पॉलिश के लिए नहीं बल्कि घिसाई के लिए होता है। मोटे मोटे लोहे में ज़्यादा जंग लग जाती है तो इसके घिसाई से इसे चमक उसको जो जंग होता है उसको हटाया जा सकता है। और ये देख सकते हैं ये है उड़न और लकड़ी काटने का डिस्क जो देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है। लकड़ी काटने के लिए इसका स्पेशल यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर ये हो गई स्क्रब वाला डिस्क, ये हो गई कटिंग डिस्क, ये फ्लैप डिस्क, ये ये वुडन डिस्क और ये डायमंड डिस्क। और ये इसी तरह का ग्राइंडिंग डिस्क भी होता है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला डिस्क के बारे में। इसी प्रकार यहाँ भी बहुत सारे डिस्क हैं देख सकते हैं।
यहाँ पर मेटल डिस्क है, ये डायमंड डिस्क हो गई, ये वुडन डिस्क हो गई, ये पॉलिश डिस्क हो गई, ये वाइट पॉलिश डिस्क हो गई, ये फ्लैप डिस्क हो गई, ये ग्राइंडिंग डिस्क हो गई, और ये भी एक ग्राइंडिंग डिस्क अलग टाइप का है जिससे ये स्टील को ग्राइंडिंग किया जा सकता है और कटिंग भी किया जा सकता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये जो आपने तो इसके बारे में जान लिया, ये है के लिए, माफ़ कीजिएगा, ये हो गई मार्बल के लिए डायमंड डिस्क, और ये हो गई वुडन डिस्क, और ये हो गई कटिंग डिस्क, ये भी कटिंग डिस्क में है, ये फ्लैप डिस्क हो गई, ये कटिंग डिस्क का अगला टाइप है, ये ग्राइंडिंग डिस्क है, ये पॉलिश डिस्क है, और ये बहुत ही सॉफ्ट पॉलिश के लिए है, और ये है वायर डिस्क। इतने सारे डिस्क है, आप देख सकते हैं, आशा करते हैं कि आपको डिस्क के बारे में नॉलेज आ चुकी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए ताकि मेरे जो मनोबल है बढ़ता रहे और इस आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिरकार ये फैक्ट्री में किस प्रकार से बनते हैं, उसको भी दिखाते हैं। चलिए तो आज के लिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं फैक्ट्री में किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने वीडियो के दूसरे चरण में कि आखिरकार फैक्ट्री में जो ये कटिंग डिस्क आप देख रहे हैं वो किस प्रकार से चलता है, तो इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार फैक्ट्री में किस प्रकार से कटिंग डिस्क बनता है। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार ये बनता किस प्रकार कटिंग डिस्क है। तो सबसे पहले कटिंग डिस्क बनता किस प्रकार से, इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा कि ये देखना होगा कि इसमें क्या क्या जो होता है केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से केमिकल कटिंग डिस्क बनाने के लिए मुख्य रूप से इसमें चार तरह से पांच तरह के केमिकल का यूज़ किया जाता है, जिसमें है एक, ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन कार्बाइड, और तीसरे में है सिरामिक, और चौथे नंबर में है डायमंड, और पांचवें नंबर में है क्यूबिक बोर्न नाइट्राइड। इतने सारे केमिकल को मिला के किया जाता है कटिंग डिस्क का निर्माण। तो देख सकते हैं कि कटिंग डिस्क का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है जो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बड़े से कटिंग डिस्क, ये 14 इंच के कटिंग डिस्क है जो बनाए जा रहे हैं, और उसको सेट किया जा रहा है, मतलब पार्सल के लिए सेट किया जा रहा है। किस तरह से बड़े बड़े चक्कों के जरिए, बड़े बड़े मशीनों के जरिए निकलते हैं आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं कि ये छोटी जो डिस्क है उसका उपयोग किस तरह से मिलाया जाता है पांच तरह के केमिकल को, और उसको आगे के प्रोसेस में देख सकते हैं कि इसको एक सांचे में डाला जाता है, और सांचे में इस तरह से प्रेस किया जाता है कि ये अच्छी सी कटिंग डिस्क बन सके। उसमें फिर सांचे में डालने के बाद जाली को डाला जाता है। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो देख सकते हैं इतने सारे जो हैं वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, अपना अपना फैक्ट्री बड़ा या छोटा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कटिंग डिस्क एक ही केमिकल से बनते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग वैराइटी डाला जाता है ताकि उसमें थोड़ा सा अंतर लाया जा सके। इसमें देख सकते हैं ये सॉफ्टनेस जो है, सॉफ्टनेस कटिंग डिस्क भी बनाया जाता है, ये ग्रीन टाइप का बन रहा है कटिंग डिस्क आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर। और आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं कि आपके जो कटिंग डिस्क में जो जाली होती है, जो उसमें रस्सी या जाली जो बोले अपने क्षेत्र भाषा, और उसमें जो सेट किया जाता है कॉर्नर बीच में सेंटर में लगाने वाला जो जाली होता है ताकि आप कटिंग डिस्क सुरक्षित रह सकें। देख सकते हैं किस तरह से सेट होता है इसमें, और उसमें कंपनी का लोगो भी मारा जाता है ताकि अपना अपना कंपनी का पता चल सके किस कंपनी का है, और इस तरह से उसमें सेट किया जाता है। उसके बाद उसमें लोहे का पिन लगाया जाता है ताकि वो निकले नहीं, और ये जाली लगाया जाता है ताकि वो सेफ हो सके। और ये देख सकते हैं फ्लैप डिस्क है, फ्लैप डिस्क के बारे में तो मैंने दिखाई दिया था पहले भी किस तरह से घिसाई किया जाता है। और आगे देख सकते हैं इसमें भी किस तरह से अपने फैक्ट्री में किस तरह से एक तरफ से बनता है और एक तरफ से वहाँ पर सेट होते जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसमें मुख्य तरह से पांच तरह के केमिकल का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्राइंडिंग डिस्क है जिसमें लोगों को चिपकाने के लिए इसमें जो गोंद का उपयोग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से गोंद को एक सांचे के जरिए से आसानी सुनते में डाला जा रहा है। और आगे भी देख सकते हैं ये जो डायमंड डिस्क है, डायमंड डिस्क का उपयोग किया जा रहा है इसमें, और डायमंड डिस्क जो होता है वो मेटल का होता है, और इसमें देख सकते हैं कि इसको किस तरह से कटिंग किया जा रहा है, और साफ तौर पर कटिंग करने के बाद देख सकते हैं कि इसका जो कचड़ा किस तरह से निकल जा रहा है साइड का, इस तरह से साफ तौर पर इसकी कटिंग करके इसको एक फिनिशिंग टच दिया जाता है।
आप देख सकते हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें लोगो लगाया जा रहा है कटिंग डिस्क में। तो आप देख सकते हैं साफ तौर की फैक्ट्री में किस तरह से कटिंग डिस्क बनता है। और आगे तो ये सब देखा ही आप लोगों ने कि ये कटिंग डिस्क किस प्रकार से होते हैं, और ये वायर वाला कटिंग डिस्क आप तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको वायर को डाला जाता है ताकि ये बन सके। और साफ तौर पर आपको ये दिखा दिए, ये दिखा दिए, ये दिखा दिए, और सब इन चीज़ों के बारे में आपको दिखा दिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कि आपको दोनों जानकारी मिल चुकी होगी कि आखिरकार ये कैसे बनता है और इसका स्वैपिंग कैसे करना है उसके भी बता देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह के और भी जानकारी वाले चैनल चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमेशा इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। आप साफ तौर पर देख लिए हैं और किस तरह से ये सब बनते हैं। तो आगे की बात किया जाए कि इसमें से आपको क्या पसंद आई है, कौन सा डिस्क लेना है, उसे कमेंट बॉक्स में बोलें। और अब मैं आपके लिए इन डिस्क को सस्ते दाम में लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से आप खरीद सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी ये देख सकें कि आखिरकार ये कटिंग डिस्क, इतने सारे जो कटिंग डिस्क है कैसे बनते हैं, किस तरह से इसको ख़रीदा जाए, आसानी से इसका नाम क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी उन्हें आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं अंतिम तौर पे कि किस तरह से एक बड़े फैक्ट्री में इसका जो होता है मिक्स किया जाता है, और वो किस तरह से बनता है ये आखिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।